देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बैक क्वेश्चन 23 देखो। एक उत्पादक दो प्रकार के विद्युत पंप बनाता है, HWP और LWP। देखिए दो टाइप्स के हैं, एक HPP है एक LPP है। नेक्स्ट देखो इसमें, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू दिस पंप्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013। नंबर ऑफ पंप्स कितने मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, देखो H वाले 20 और L वाले 10। देखो इसके आउटपुट लिखो 20 और इसमें आउटपुट लिखो 10 यूनिट्स। नेक्स्ट देखो टोटल कितने हैं, 30। डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल वेजेस देखो ये सब दिया है, फैक्ट्री सुपरविजन देखो फैक्ट्री सुपरविजन एक साथ दे दिया है, पैकिंग भी देखो टोटल दिया है, तो इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पड़ेगा जो भी क्लास में एंटर किया ना माइक म्यूट कर लो, राधे कृष्ण करके कोई एंटर किया है। ये देखो जब फैक्ट्री सुपरविजन और पैकिंग एक्सपेंसेस ये सब टोटल में दिया हुआ है ना, तो हमको इसको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, निम्न को शामिल करते हुए प्रत्येक प्रकार के पंप की लागत को दर्शाते हुए आप एक विवरण बनाइए। हमको एक विवरण मींस क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है अपने को। नेक्स्ट देखो इसमें, कारखाना निरीक्षण प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में लगाया जाता है, फैक्ट्री सुपरविजन टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट कॉस्ट। ये देखो ये जो फैक्ट्री सुपरविजन है 3600 का, इसको किसके रेशियो में डालना है, डायरेक्ट कॉस्ट के। नेक्स्ट देखो ये डायरेक्ट कॉस्ट के अनुपात में बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग व्यय का बंटवारा HPP के प्रत्यक्ष लागत व फैक्ट्री निरीक्षण की लागत को LPP के समान लागत के अनुपात में किया जाता है। देखो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैकिंग एक्सपेंसेस टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो द डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट ऑफ। देखो इसमें हमको क्या करना है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी प्लस हम उसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री सुपरविजन। ये देखो लिखा है ना, प्रत्यक्ष लागत व फैक्ट्री निरीक्षण, तो प्रत्यक्ष लागत व फैक्ट्री निरीक्षण, तो इन दोनों का टोटल करेंगे ठीक, और फिर हम क्या करेंगे उनका रेशियो निकालेंगे HPP और LPP के लिए। नेक्स्ट देखो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन विक्रय एवं प्रशासनिक व्ययों को निर्मित पंपों की संख्या में अनुपात करना है। मतलब जो ये वाला है अपने पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमको किसके उसमें करना है, पंप की लागत को दर्ज, देखो प्रत्येक प्रकार के पंप के उस पर करना है इसको यहाँ पे। तो जल्दी से स्टेटमेंट बनाओ। ऐसे चार कॉलम बनेंगे, टोटल कॉस्ट का और कॉस्ट पर यूनिट का। इस तरफ बनाएंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट, फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट और फिर यहाँ पे बनेगा कॉस्ट पर यूनिट। ये हो गया पर्टिकुलर। नेक्स्ट देखो इसमें सबसे पहले क्या ऐड करते हैं, मटेरियल्स। मटेरियल ऐड करेंगे, मटेरियल देखो कितना दिया है, 3000 और 2000, तो यहां पे आया 3000
यहाँ आएगा 2000 प्लस इसमें ऐड करेंगे वेजेस 6000 और 4000, तो ये 6000 यहाँ पे आएगा, 4000 प्लस पावर। देखो पावर किसने दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट में डाल के दिया है, नहीं तो फिर अपन कहीं और लेते फैक्ट्री कॉस्ट में। ये हो गया पावर, कितना हो गया सिक्स क्या बोलते हैं 2000 और ये रहा 1000, ठीक है। ये हो गया टोटल, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। टोटल करो और पर यूनिट बताओ मेरे को। ये हो गया 11000, ये हो गया 7000। पर यूनिट कैलकुलेट करो। क्यों गजाला अलका, आज कैलकुलेट नहीं करनी है पर यूनिट कॉस्ट? बताओ कितनी आ रही है पर यूनिट कॉस्ट? फिर ऐड करते हैं अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड, है ना? तो प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करो। फैक्ट्री सुपरविजन आएगा इसमें, कितना है देखो क्वेश्चन में टोटल दिया है अपने को 3600, है ना? तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर रही हूँ 3600 को किसके रेशियो में डालना है, डायरेक्ट कॉस्ट के रेशियो में। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना है अपना, देखो ये 11000 और 7000, मतलब 11:7 के रेशियो में आया है, यानी 11 और 7 हो गया 18। 3600 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो 200, तो 200 इंटू 11 और 200 इंटू 7 इस अमाउंट को कैलकुलेट करने में किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मैम व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर मैम? वेरी गुड, सॉरी मैम जस्ट नाउ जॉइंड अप, आई डोंट नो। You have joined just now, but at the time of starting class, you have to ask, right? Not in the middle of class. Sorry, ma'am. Total karo kitna hua? When iska? ये पर यूनिट का कैलकुलेशन करते चलेंगे आप लोग साथ में। 200 को डिवाइड करो 20 से, कितना है अमाउंट? मैम 660 और 840। 660 मैम पर 11, यस मैम वो 13200 का, हाँ। और एलपीपी का 840 देखो ये सीक्वेंस है, जब जिसका भी फर्स्ट क्लास है आज जिसको ध्यान में रखो, कॉस्ट शीट कर रहे हैं अपन, तो कॉस्ट शीट में इसी सीक्वेंस में अमाउंट को ऐड किया जाता है। अब फैक्ट्री सुपरविजन के बाद क्या ऐड करेंगे अपन इसमें, देखो पैकिंग एक्सपेंसेस, तो पैकिंग एक्सपेंसेस किसका आता है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री सुपरविजन जब ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट में, तो वो कौन सी कॉस्ट बन जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट? ये तो ये फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ये हो गई वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट देखो मैं कॉस्ट क्या गजाला बेटा,
बोलो मैम, और रिपीट कर दीजिए। ये फैक्ट्री कॉस्ट वाला? यस मैम। अरे प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं अपन? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस मैम, है ना? तो क्या आती है उसके बाद? फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर उसको एक और नाम बोलते हैं, वर्क कॉस्ट, है ना? तो ये देखो, ये फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री सुपरविजन ऐड किया, क्या आ गई अपनी? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। अब देखो फिर है ऑफिस ओवरहेड्स, अपन ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने पास नहीं है ऑफिस ओवरहेड्स, तो अब हम क्या ऐड करेंगे डायरेक्ट इसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। तो पहला है उसमें क्या? पैकिंग। तो देखो पैकिंग लिया मैंने, पैकिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? देखो 216, ये रहा 216 दिया है। तो हम क्या करेंगे इसको 216 को? देखो पैकिंग वेग का बंटवारा, या देखो एचपीपी के प्रत्यक्ष लागत व फैक्ट्री निरीक्षण की लागत को एलपीपी के समान लागत के अनुपात में किया जाता है। यहाँ देखो इंग्लिश में देखो, पैकिंग एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन इन द रेशियो दैट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट है अपनी ये रही, ये देखो, है ना? और प्लस इसमें क्या ऐड करने बोल रहा है? फैक्ट्री सुपरविजन, ठीक? तो देखो, तो डायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री अपन ऐड कर रहे हैं, ये रहा अपना 11,000 डायरेक्ट कॉस्ट, ये हुआ अपना 2200 फैक्ट्री सुपरविजन। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है अपना? 13,200 आ रहा है ना? तो ये जो 13,200 है ना, तो और इसका कितना हो गया रेशियो सेकेंड वाले का? 8400 सेम। तो 13200 इस टू 8400 का रेशियो निकालो आप लोग। चलो आप लोग मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। चलो कैलकुलेट करो। पैकिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन के टोटल से करना है। तो इन दोनों का टोटल देखो कितना है? 13,200 प्लस 8,400, तो 13,200 और 8,400 इसका टोटल करो, 132:84 हो जाएगा। टोटल करो इन दोनों का, ये हो गया 216, और ये है भी कितना देखो 216। तो 216 को 216 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1 into 132:84, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 132 और यहाँ पे हो जाएगा 84। किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले। किसी को डाउट है इस कैलकुलेशन में? बताओ किसी को डाउट है इसमें? कहाँ पे डाउट है बेटा? टाइप करो आप लोग चैट में, मेरे को ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या फिर आप रिकनेक्ट करो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है इसमें।
किसी को डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट देखो इसमें। नो मैम। ऐड करो इसको 13200 और 8400 को 84 से। नेक्स्ट देखो क्या दिया है उसमें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नंबर ऑफ पम्प्स के रेशियो में डिवाइड करना है तो 3000 को डिवाइड करो 20:10 के रेशियो में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है 3000 अमाउंट, इसको 20:10 के रेशियो में करना है। इट मींस 2000 और 1000। टोटल करो कितना आ रहा है, 15332 आएगा इसका और इसका आएगा 9484। सबका पर यूनिट कैलकुलेट करते चलो, 20 का आउटपुट है तो 3000 को डिवाइड कर लो 20 से। ये हो गया 150, फिर 6000 को डिवाइड करेंगे 20 से, 300, देन 2000 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आएगा 100। टोटल करते हैं 20 से तो आएगा अपना 550। सेम 2200 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये होगा 1110, ये हो गया 660 नीचे। सेम 132 को डिवाइड करेंगे अपन 20 से तो ये हो गया 6.6। 2000 को डिवाइड किया 20 से तो ये हो गया अपना 100। तो 15332 को डिवाइड किया 20 से तो आएगा अपना 766.6। नेक्स्ट देखो 2000 को डिवाइड करेंगे अपन 10 से, अब तो पूरा 10 से है तो ये हो गया 200, 400, 100, ये हो गया अपना 700, 140, ये हो गया 840, ये हो गया 8.4, ये हो गया 100, तो ये आंसर आ गया अपना 948.4। अब देखो जिसकी भी फर्स्ट क्लास है अगर, अच्छा आपके पास बुक है आशुतोष? यस मैम। बुक है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर निकालना पार्ट वन, दो पार्ट में है कॉस्ट शीट। चैप्टर इज गिवन इन टू पार्ट्स, ठीक है? यू हैव टू ओपन पार्ट वन, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग वन। यस मैम। है ना, एम आई ऑडिबल टू यू? यस। हां यस मैम। हां अब उस पे एक कॉस्ट शीट देखो। यस कॉस्ट शीट देखो, उसमें यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट में एक कॉस्ट शीट दी होगी, उसमें ओपन करके देखो। प्रोफॉर्मा में स्टार्टिंग में दिया होगा। यस मैम। मिली आपको कॉस्ट शीट? नहीं मिली है तो आराम से ढूंढो, माइक म्यूट करके ढूंढो। यस मैम। यस मैम मिल गए मैम। स्पेसिमेन ऑफ, यस मैम देखो स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट वाली देखनी है। उसमें तीन चार कॉस्ट शीट दी हुई है, जो सेकंड नंबर वाली कॉस्ट शीट है, स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट। यस मैम। स्टेटमेंट
ठीक है, तो हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं, जो सीक्वेंस दिया है इसमें इस कॉस्ट शीट का, हम उस के उसमें अरेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग। तो आज आप इसको रिव्यू करना, और जब हम अपन कल स्टार्ट करेंगे तब आपको शायद समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे। और नेक्स्ट टाइम जब भी किसी का फर्स्ट टाइम रहता है क्लास में, तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया करो, ठीक है? माइक म्यूट करो।